जुहार नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई बेणु खबरमूल कर्मा हेडलाइंस नु माड़िया उच्चे बात्या गुलाब आज गोपालपुरार कलिंगपट्टनम मझीने स्थलभाग छुईवा संभावना रात 8 बजानु ल्यांडफंड प्रक्रिया मूल दक्षिण ओडिशार 7 जिला ने बढ़ला सतर्कता गंजाम आर गजपति ने बढ़वा अत्का सबुनु प्रभाव बात्या स्थिति समीक्षा कले मुख्यमंत्री जीवन रक्षा उपरे गुरुत्व तलियार कच्चाघर लोकों सुरक्षित जगके पठावाके निर्देश धुका पवन बोर्ड उपरे नजर रहबाके कहले एसआरसी 11 जिला ने स्कूल छुट्टी मन की बात ने कलाहानी कथा पतातंकर चेष्टा ने प्रधानमंत्री प्रशंसा औषधीय गच लगवा संगे रखिछन तथ्य सियाड़े पतातंकर कहले एबे तक नाई मिलवा किसी सरकारी सहायता बरगढ़ पुलिस हेफाजत ने युवकों मृत्यु घटना राय सरकार बढ़ला मूड़ दुखा घटनार सीबीआई छानबीन दाबी कले बीजेडी विधायक सियाड़े एवं तक नहीं पार्ला मृतकों सुधिक्रिया रानी बकरी ने ओटीडीसीआर पर्यटन विभाग निमंत्रण योजना के विरोध विक्षोभ ने एकजुट हेले शहश लुके अन्य जगह ने रेस्टोरेंट करवा के दाबी लुके कहले इतिहास मूल साखी रानी बकरी गोद जलप्रपात रहीकिना युवक निखोज नुआपड़ा धमरकंदा अंचल ने अघटन पुलिस और अग्निशम विभाग छानबीन आरु 24 घंटा ने 585 कोरोना पॉजिटिव 8 वर्ष नु कम 96 आक्रांत खोर्धा जिला ने सबको नुआता 206 चिन्हट राज ने एबे भी 5909 मामला आसमा पूरा खबर के माड़ी आउछे गुलाब आज अधा राति ने दक्षिण ओडिशा ने स्थलभाग के छुईवा कलिंगपट्टनम आर गोपालपुर मझी ने स्थलभाग छुईवा सामुद्रिक झड़ गुलाब राति 8 बजा आड़े मूल हेबा लैंडफल प्रक्रिया इ प्रक्रिया प्राय 3 घंटा तक चलवा इ समयथी पवन गति घंटा के 70-80 किलोमीटर रहबा पवन गति सबनु एतका 90 किलोमीटर घंटा प्रति रहीपे ल्यालपन समयथी गंजाम आर गजपति जिला ने जह प्रभावित हेबा इ दुई जिला ने पवन बेग घंटा पंती 75-85 भितरे रहबा ल्यालपन समयथी आकस्मिक बन्या आर ल्यांडस्लाइड हेबार भी संभावना रहीछे संता पुरी खोर्धा नवरंगपुर रायगढ़ कंधमाल कोरापुट आर मालकानगिरी ने भी पवन बेग घंटा प्रति 45-55 किलोमीटर रहबा ल्यांडफल ने 12 घंटा तक अपात रूप नहीं करी रहबा गुलाब इतार प्रभाव ने आसबा काल के भी वर्षा जारी रहबा एबे तक चांदबाली ने अटका 21 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा दैछि एबे गंजाम रो गोपालपुर ठानु 100 किलोमीटर आर आंध्र कलिंगपट्टनम नु 240 किलोमीटर दूरे अच्छे बात्या गुलाब घंटा प्रति 24 किलोमीटर बेग ने गति करुचे गुलाब तेबे इ बाबद ने अत्का आलोचना लगी आमर संगे जोड़ी छन आमर प्रतिनिधि रोशन नगर जे कि सिक्राकुलम ने अछन रोशन देखमा गले बात्या गुलाब गोटे प्रकार माड़ी आउचे कारण रही छे से अंचल ने प्रभावी देखो निश्चित भाव में वर्तमान जहाँ अनुमान कर पाखापाखि समुद्र ठू 100 किलोमीटर दूर रही बात्या गुलाब और माड़ी आउछि एवं जहाँ पाणिपाग विभाग सूचना रोचे जे राति 8 रु तार लैंडफल आरंभ हेबो एवं यही आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट ही ता लैंडफल करिवो बोली जहाँ अनुमान कर जार प्रभाव में यही आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम सहित गंजाम और गजपति ओडिशार दुईट जिला विशेष भाव में क्षतिग्रस्त हेबो मुँ आपको सीधा सड़क चित्र देखा चाहिए आम वर्तमान ओडिशा आंध्रा बोर्डर में रही एवं यह हूँ श्रीकाकुलम जिलार चित्र जोटी वर्तमान बात्यार प्रभाव किछटा आरंभ हो सारा तुहा को तुहा वर्षा एवं पवन बेग मध्य धीरे धीरे बढ़िवारे लगी लोके मध्य जो माने कच्चा घरे रहउचंती से माने पक्का घर को वर्तमान किछि किछि लोक स्थानांतर हेलेनी एवं आ गोटे चित्र मु देखिबा को चाहिबी जो माने कच्चा घरे रहउचंती किभलि भाव निहाती भाव में देखमा रोशन गोत प्रकार बात्या पाखापाखि तार प्रक्रिया आरंभ कलाना वर्षा लगातार लगी रही छे खास कर जगान रोचन आंध्र श्रीकाकुलम जगान एवं जेन प्रभाव देखा के मिलूचे तुहा के तुहा वर्षा लगी रही छे तो आर किसी घंटार कथा रहा जिते बेले 8 समय रातिर 8 बजार भी आम लालफन प्रक्रिया आरंभ होगा जहाँकि
सूचना देचन तेब रसन आप आंध्र प्रदेश ने अच्छा सेन का प्रस्तुति देखुन देखो तो निश्चित भाव आंध्र सरकार को पक्ष पूर्व आंध्र प्रदेश विशेष भाव में श्रीकाकुलम जिला ही क्षतिग्रस्त होता तेरे निहाती भाव में आप देखुन आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम ने जेन आम प्रतिनिधि अच्छा रोशन रथ जी कि आमके अतका सूचना दूसरे जेनता कि बात्यार किसी समय पर लैंडफ्लाइड करवा आर आर कण हो आके ये नजर रखी थन रोशन जहाँ वर्तमान तार स्थिति रोचे लास्ट जो छः घंटे घंटा प्रति बेग जोटा रही दस किलोमीटर बेगर गति करुँची पश्चिम दिगरे यहाँ गति करुँची छड़ा यार जो वर्तमान दूरता रोचे गोपालपुर ठारु पाखापाखि 270 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे रोचे एवं आमर कलिंगपाटनम ठारु पाखापाखि 330 किलोमीटर दूर रोचे जहाँ अनुमान करात्रि पाखापाखि आम जी कह नौ परठारु आपणकर ये जो लैंडफॉल प्रोसेस प्रक्रिया बा जो उपकूल छुईबार प्रक्रिया आरंभ हमारे संभावना रोचे तापर आपणकर गोटे सामुद्रिक झड़ हिसाब से लैंडफॉल करवा समय सामुद्रिक झड़ भाव में लैंडफॉल कर पवनर बेग से ही समय 75 रु 85 झटका पवन 95 किलोमीटर पर्यंत रहिबार संभावना रोचे ता छड़ा आमर जोटा कि वर्तमान जो तार स्थिति रोचे समुद्र मध्य पवन रेग 70 रु 80 झटका पवन 90 किलोमीटर पर्यंत रोचे गत काली जो आम वार्निंग जारी कराखापाखि सात जिला को रेड वार्निंग जारी करा आज बलवत्तर अच्छी जोटा कि आमर वर्षापी गोटे रु दुईट स्थान में 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा हमारे संभावना रोचे और किसी स्थान में आम 12 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा संभावना रोचे कहिबा जदि कलिंगपाटनम आ गोपालपुर मझिरे हिट करुची तो ओडिसार को कौ जिला उपरे पवन रो माने मात्रा रहिबो एवं वर्षार मात्रा ए जों बात्याटी जाउची यार पवन 75 रु 85 किलोमीटर प्रति घंटा एवं गस्टनेस 95 किलोमीटर प्रति घंटा बर्तमान चलीची एवं एही पवन सहित ये उपकूल अतिक्रम करिवो कारण आउ अधिक यहा घनीभूत हेबो नाही तेणु यहाँ गोटे केवल साइक्लोनिक स्टर्म घूर्णी बात्या यही बात्यारे साधारणतः आम जहाँ अब्जर्व करुचु जे उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व दिगरे अधिक पवन रहुचि एवं प्रायतः केन्द्र पाखरु 100 किलोमीटर दूर पर्यंत पवन रो बेग आपणकर 75 रु 85 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 95 किलोमीटर प्रति घंटा हो पारे से ही कथा को विचार को नेले गंजाम गजपति ये जो जिला रही दुईट उपर यही पवन प्रवाहित हो पूर्वानुमान करुचु यापर जिते भितर को जीव से आप रायगड़ा जिला कोरापुट मलकानगिरी नवरंगपुर में पवन प्रवाहित हो सेठे कि पवन आउ बात्यार पवन रहेगी 55 रु 65 किलोमीटर प्रति घंटा और अति बेस 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो पाए से ही जिते बात्याटी उपकूल अतिक्रम करपर गंजाम जिला को लगिकी खोर्धा और पूरी जिले में पवन 55 रु 65 किलोमीटर प्रति घंटा होवार संभावना रही है। दक्षिण ओडिशार वर्षा हे उपकूल ओडिशार यार प्रभाव रही दक्षिण ओडिशार विशेषतः यार अधिक प्रभाव रिमित आम आगे पूर्वानुमान करूँ हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल किसी अंचल होगा सहित अल्प किसी अंचल एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल विशेषतः 20 सेंटीमीटर अधिक वर्षा 24 घंटा मध्य हो पाए और आज ही सबुठ बेसी अधिक वर्षा हेब गंजाम गजपति ठूँ आरंभ कर मैंने उपकूल जिते बर्तन बात पाखेब उपकूल अंचल वर्षा और पवन बढ़ देखीचु तितली समय लैंडस्लाइड होता पहाड़ में किसी लोक अफेक्टेड होते कि लोक मृत्युमुखर पड़ते तो बर्तमान जिते हिट कर दक्षिण ओडिशार अनेक जगह पहाड़िया अंचल रही तो लैंडस्लाइड किसी खतरा रही जो पूर्वघाट पर्वतमाला आम रही बर्तमान आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा देखिए पास करें तेणु यहाँ गोटे हिली एरिया तेणु हिली एरिया जिते भाई प्रबल वर्षा हेब ता फल आपणकर सॉइल इरोशन हो पारे और लैंडस्लाइड हो पारे लैंडस्लिप हो पारे लैंडसिंक हो पारे तेणु से आम वार्निंग देचुजे यार प्रभाव में आपणकर जो वर्षार प्रभाव में कहाँ कहाँ मैं कौन से जगह एमती लैंडस्लाइड हो पारे राज्य बात्या गुलाबर स्थिति नहीं समीक्षा कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया बात्या मुकाबला प्रस्तुति संपर्क ने आलोचना करते मुख्यमंत्री जीवन रक्षा उपरे सभीनु जह गुरुत्व मुख्यमंत्री आज बेलबुड़ा तक तलिया इलाका आर कचाघरे रोथिबा लोकंकर स्थानांतरण करा जाउछे
ମାଡ଼ ଧସ୍ବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଇଲାକାନେ ଲୋକଙ୍କେ ନିରାପତ୍ତା ଜାଗାକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। I was just now here at Odisha Bhavan, had a meeting about the expected cyclone Gulab, which is expected tonight in Odisha, in around 10 districts, and what precautions have to be taken about that. Two press releases, one on the Home Minister's meeting, and the second about the expected cyclone will be detailed press releases will be circulated to you right now. Mr. Chief Minister, sir, are you satisfied with the arrangements the administration, your government has made for the affected people? Well, we've just had a detailed meeting, and I think thorough arrangements have been prepared. ବାତ୍ୟା ଲାଗିରେ ତିନିଟା ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପବନ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଆର୍ ବନ୍ୟା ପବନ ଲାଗିରେ ଅତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଗଛଖୁଣ୍ଡ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନାଗାବଳୀ, ଋଷିକୁଲିଆ ଆର୍ ବଂଶଧରାନେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିପାରେ। ଏଥିଲାଗି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ ହୋଇଥିବାର କହିଛନ୍। ଋଷିକୁଲିଆର ରିଜର୍ଭନେ ଥିବା ପାଣିନେ 60% ଖସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାଇଁନ। ସଭେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଲ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଆର୍ ନାଭାଲର ସହାୟତା ଲାଗି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍। ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଲାଗି ସୋମବାର 11 ଜିଲ୍ଲାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରାତି 8-9 ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରବା ବାତ୍ୟା। ଏବେ ନୁ ଆସବାର କାଲି ସକାଳର 10 ବଜା ତକ ସତର୍କ ରହିବାକେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ରହିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବ ସେଠି ପବନର ବେଗଟା କମିବ। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପବନ ଜନିତ, ଯେହେତୁ ପବନର ବେଗ 60-70-75 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନନ୍ କନ୍ଭେନ୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ, ସେଠି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେଶୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେଠି ଯଦି କିଛି ଗଛ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରିଜ୍ ବା ଯାହା କିଛି ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ବା କାଁଭାଁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିପାରେ, ଏବଂ ତାରି ଇଏରେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ LT ଲାଇନ୍, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି LT ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତ ସତର୍କ କରାହେଇଛି ତିନୋଟି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ପବନ ଜନିତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼। ଆମେ ଅତୀତରେ ତିତ୍ଲିରେ ଦେଖିଛେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ରାୟଗଡ଼ାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାହେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ତାହାରି ଫଳରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବେସିନ୍, ନାଗାବଳୀ ଏବଂ ବଂଶଧାରା ଏଇ ତିନୋଟି ବେସିନ୍ରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିପାରେ। କେତେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ତାପରେ ଗଜପତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଏ, ସେଥିରେ ଗୋଟା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟା ବ୍ୟାରେଜ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକି ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ଥାଏ ତା ଲେଭେଲ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମିଟର ତଳେ ତାକୁ ରଖାହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯାହା ଆସିଲେ ସେ ପଳାଇଯିବ। ସେହିଭଳି ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ଼୍ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ଼୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସବମର୍ଜିବୁଲ୍ କଜୱେ ଅଛି, ଲୋ ଲାଇଂ ରୋଡ଼୍ ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକିଏ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେମା, ବ୍ରେକ୍ ଉତ୍ତରୁ ଦେଖମା ଆର୍ କିଛି ଖବର।
ଏକତାରୁ ସ୍ୱାଗତ। ମନ୍ କି ବାତ୍ ନେ କଲାହାଣୀରେ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କଲାହାଣୀରେ ପତାୟତ ସାହୁ 1.5 ଏକର ଜମିନେ ଔଷଧୀୟ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍। ଏ ଔଷଧୀୟ ପ୍ଲାନ୍ ଲାଗି ବହୁତଟେ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇପାରବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପତାୟତ ସାହୁଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ। ଔଷଧୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍। ପତାୟତ ସାହୁ ଔଷଧ ପ୍ଲାଣ୍ଟକେ ନେଇକିନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛନ୍। हमारे देश में पारंपरिक रूप से ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो वेलनेस यानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ओडिशा के कालाहांडी के नांदोल में रहने वाले पतायत साहू जी इस क्षेत्र में बरसों से एक अनोखा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 1.5 एकर जमीन पर मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं। यही नहीं, साहू जी ने इन मेडिसिनल प्लांट्स को डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। ସିଆଡ଼େ ଅଲଗା ରାଜ ଅଲଗା ଦେଶନୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଗଛ ଆଣିକିନା ନିଜର ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଥିଲେ ବି ଏବର୍ ତ ତାଙ୍କେ କେନ୍ସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନେଇ ମିଳିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ପତାୟତ। ନିଜର ଜାଗାନେ 2500ରୁ ବେଶୀ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗେଇକିନା ଚର୍ଚ୍ଚା ନାଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ନାନ୍ଦୋଲ ଗାଁର ପତାୟତ କୁମାର ସାହୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜ ମନ୍ କି ବାତ୍ ନେ ଘୁରି ଘୁରି ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍। 35 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜର ଜାଗାନେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍। ସେ ତାଙ୍କର ଘର ନାଇଁ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗୁହାଲ୍କେ ନିଜର ଘର ବନେଇକରି ରହୁଛନ୍। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ଏତିକି ଦୂର ଯାଇଛି, ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ମିଳିବାର ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଘରର କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ଛାଡ଼ିକରି ବି ଯେନ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଯେତିକି ବି କରିଛନ୍ ବହୁତ କରିଛନ୍, ଆଗକେ ବହୁତ କରି ହେତା। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗା ମିଳିବାର ନେଇ ନିଜର ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡରେ କରୁଛନ୍। ଆଗେ ତ ଆହୁରି ବି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆର୍ କିଛି ଉନ୍ନତି କରାହବ। ପୁଲିସ ହେଫାଜତ ନେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ସିବିଆଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ। ଏବେ ତକ୍ ମଲାଧିନୁ ସୁଦିକ୍ରିୟା ନାଇଁ ହୋଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାକେ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 2 ଜଣ ଏସ୍ଆଇଆର୍, ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡକେ କାମନୁ ବାହାର କରାଯାଇଛେ। ସେଆଡ଼େ ମୃତକଙ୍କର ପରିବାର ନେ ସବୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ପୁଲିସ ହେଫାଜତ ନେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ସିବିଆଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଦାବି କଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ। ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ପୁଲିସ ହେଫାଜତ ନେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ନେ ଦଙ୍ଗା ପରେ ଆକ୍ସନ। ଏବେ ତକ୍ ମଲାଧିର ସୁଦିକ୍ରିୟା ନାଇଁ ହୋଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 2 ଜଣ ଏସ୍ଆଇଆର୍, ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡକେ କାମନୁ ବାହାର କରାଯାଇଛେ। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଘଟଣା ନେ 2 ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଆର୍ ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ଛାନ୍ଭିନ୍ ହେବା, କେନ୍ତା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯିବା ସେ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାର ସାଙ୍ଗେ ମୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପରିବାରକେ ସବୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକେ କହିଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ସିଆଡ଼େ ଏ ଘଟଣା ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଦାବି କରିଛନ୍। ଇଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆମର ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ, NHRC ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ ଏବଂ କେମିତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ରିହାବିଲିଟେସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ ଆଣ୍ଡ NHRC ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଫଲୋ କରିକି କରାଯିବ, ତା ବାଦେ ସେଇ ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରୀଟା ବି ହେବ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 2 ଏଏସ୍ଆଇ, ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ଲାଇନ୍ ହାଜରା କରିଛି। ଆମର ତ ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଲାଗି, ସେଟା DIG ମହୋଦୟ ରାଜି ହେଇଛନ୍, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ, ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ଜରିଆରେ ସେଟାକେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ବୋଲିକରି, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ପୋଲିସ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ ନାଇଁ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ହଉ କି ଆଉ ଉଚ୍ଚପଦୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ସେଟା DIG ମହୋଦୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ସେଟାକେ ଘୋଷଣା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍। 24 ରାତ 2 ତୋରା ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରକେ କେନ୍ସି କାରଣ ଲାଗି ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା, ପରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କର ସେନେ ମରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକେ ନେଇକିନା ମେଡିକାଲରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକେ ମିଳିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡିକାଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମୃତକଙ୍କର ଭାଇ 7 ଉପରେ ଚଢ଼ିକିନା ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପୁଲିସ ନୁ ମଲାଧି ଛଡ଼େଇ ଆଣିକିନା ରାସ୍ତା ଜାମ କରିଥିଲେ ମୃତକଙ୍କର ପରିବାର। ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀଛକ ରାସ୍ତା ମଝିନେ ମଲାଧି ରଖିକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ।
दंगा बेसी बड़वानु पुलिस लाठीचार्ज करितिला मोर बर साई करी सुई दिला पर दिन राती आई दिले जे आमे कोनु 100 टंगिया आधार कार्ड बनौ जल आमे कार्ड देई जो आरो दिन सखाले शनिवार दिन आनमु आर तम थाना गे जी मो कोनु शुक्रवार दिन आइले गल का राती का मौत पैन फ्री 1:30 बजे आइले सो छट्टा पुलिस आई दिले मौत पैन अथे करी खाली 2 बजे गला राती रहगा राति 2 बजे गला मो पुआ को से टिस्को टिस्को नाम किसको किसको पुलिस जाएगा डबल टायर वाला गला आरो से संग आइ कर से अनला लागे जुड़े पिला कोनो बोल सन ताकू आइदा को अल्ला आ थाना का अल्ला से कोनो के छड़ी रात रे छड़ी दा सर ताकी आर मोर पुआ के थाना मारी दे कर आदि कर खेला पाले पकाई दे सर टिस्को आनी कर पुलिस मान आनी कर मारी कर से पकाई दे थाना एबे प्रश्न उठु छे पुलिस सेवा जत ने केनता हला मरण घटना लागिर दाई किए छोट माच के धरिकिना बड़ माच के छाड़बा लगी चेष्टा नहीं हेबा तो खाली बाहर करि देले नहीं हुए दोषी विरोध ने केबे हेबा कड़ा कार्यानुष्ठान बरगढ़ नु मनीष शर्मा का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। रानी बकरी ने ओटीडीसीआर पर्यटन विभाग निमंत्रण योजना के विरोध विकोप ने एकजुट होइछन सहस लुके सहर भिन भिन संगठन आड़ आज रानी बकरी सामने विक्षोभ प्रदर्शन करिकिना बैठक करिछन। राज्य सरकार ओटीडीसीआर पर्यटन विभाग आड़ निमंत्रण योजना ने रेस्टोरेंट खोला जीवा उपरे समलपुरवासी विरोध करिछन। इतिहास मूल साखी रानी बकरीत सेथिर लागी अलगा जगाने रेस्टोरेंट करबा के दाबी करिछन। आमे रानी बकरी रे जेन सरकार निमंत्रण योजना करुछन ओटीडीसी जेन रेस्टोरेंट खोलुछे तार विरोध रे आज एटा विक्षोभ करुछु। आमे संबलपुरवासी नाही चाहेबार कि इने गुटे रेस्टोरेंट हो आमे चाहुछु इने कल्चर हेरिटेज बचाला बाकी पश्चिम ओडिशा रो गुटे म्यूजियम हो नाले गुटे लाइब्रेरी हो किंबा गुटे फोटोग्राफिक आर्ट गैलरी हो किंतु इने गुटे रेस्टोरेंट ना हो जेने आमर जनसाधारण पसबार लागि बाधा हबा असुविधा एटा हैला कि रानी बकरी गोटे 350 वर्ष पुराणा गोटे कीर्ति है सेटा बहुत कष्ट रिस्टोर होती इंटाक लगिकटा को रिस्टोर करें रेस्टोरेंट करुचन इमें कण करुचन तले काठ फ्लोरी करुचन कांत गुड़ाक फेर भंगाभंगी करुचन से काठ काठ देकर पैनेलीं करुचन ये सब जेन करुचन जेन रेस्टोरेसन करवा लगे जेन उद्यमटा हो सब नेगेट हो जाए तार उल्टा पड़ जाऊँच आउ यहाँ बिल्डिंग को हानि पहुँचाऊँच नंबर वन। दुई नंबर कथा है ये रेस्टोरेंट खुलबे जनसाधारण आउ ये प्राचीन कीर्ति भितर को पशि नहीं पार जे पैसा दबा से पशि पार्बा आम चाहूँ कि यहाँ गोटे कमर्सील प्लेस नहीं करी गोटे म्यूजियम कि गोटे लाइब्रेरी कि गोटे गैलेरी हेले आम जनसाधारण आम पिला माने आम फ्यूचर जेनेरेसन समस्ते पश्चिम ओडिशार कल्चर हेरिटेज ये सब विषय जापारे आटा जगह रही पार्बा। गोधस जलप्रपात उपरु डेगिकिना दुई युवक युवती आत्महत्या करितबार संदेह करा जाउछे। घटना जगने धर्मबंदा पुलिस सार नुआपड़ा अग्निशम विभाग छानबीन करुछन जेंति जगने गुटे गछे युवकंकर ड्रेस रुमाल टॉर्च लाइट सांगे गुटे जरी पुड़ियाने हाथ लेखा किछि कागज रहिछे। दुई युवक युवती पड़ोसी छत्तीसगढ़ गरियाबंद अंचलरु बोली अनुमान करा जाउछे। आसमा राज्यर कोरोना संपर्कित खबर के गला 24 घंटा भितर राज्य ने 585 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्ह होइछन। इमानकर भितरु 322 जन क्वारंटाइन रु चिन्हट हेतिबा फिलके लोकल क्वारंटाइन केस रहिछे 223 से भितर 18 वर्ष नु कम 96 जन अछन। खोर्धा जिला ने सबकुनु अयतका 206 आक्रांत थिबार बेलके समलपुर रु 19 सुंदरगढ़ नु 13 आर टेस्टपुर नु 47 कोरोना पॉजिटिव रहिछन। राज्य ने एबे भी 5909 मामला रहिछे। कुचिंडा सांबादिक संघ आड़ वरिष्ठ सांबादिक अरिंदम दास के श्रद्धांजलि। निर्भीक साहसी सांबादिकता ने रुचि रखुथिबार अरिंदम प्रिंट आर इलेक्ट्रोनिक्स गणमाध्यम ने गला 2 दशंधि धरिकिना काम करुथिले। कुचिंडा सांबादिक भवन ने सभापति प्रकाश चंद्र शर्माकर सभापति ने गोटे शोकसभा होता कार्यक्रम ने समलपुर जिला सांबादिक सभापति प्रभात बेहरा वरिष्ठ सांबादिक गगन शर्मा देवेन्द्र बेहरा तपन दास तनय महापात्र दिनेश नंद गजेन्द्र भई सब उपस्थित थे। समय छे नुआखाई एक्सप्रेस के इन रकमा जुआर।